हाय गाइस, वेलकम टू द बिना डीकोड्स। हर बार सोचती हूँ क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ वीडियो। वैसे डेली व्लॉग तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है यार, मैं डेली दिखाऊँ क्या। तो मैं इकट्ठा थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करके दिखा देती हूँ कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, या एक पोर्शन पकड़ती हूँ सी अबाउट लियाना और मैं उसके बारे में बोलती हूँ, या फिर मम्मी उनके बारे में बोलती हूँ। तो आज का वीडियो इज अबाउट लियाना एंड आई नो कि आप लोग बहुत खुश होंगे। तो आज है एक्चुअली लियाना का पासपोर्ट साइज फोटो खींचने जाना, तो वो देखते हैं कैसा होता है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। वैसे मैंने ट्राई किया था कि मैं खुद ही उसका फ़ोटो खींचूँ, तो उसको वाइट हमारे सोफे पे लेटा के मैं ऊपर से ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हुआ ना, सही फ़ोटो आया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि पासपोर्ट में वो दूंगी फ़ोटो, वो रिजेक्ट हो जाएगा खामोखा, तो उससे अच्छा है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद लियाना का पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है। तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आई एम श्योर दैट विल बी एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ कि कैसे करते। मैं खुद ही बहुत नर्वस हूँ, लेकिन उससे पहले जब तक लियाना तैयार हो रही है, गुड गर्ल बन के आज तैयार हो रही है और गुरु भी तैयार हो रहा है, तो तब तक मैंने सोचा क्विकली थोड़ा सा अपडेट दे दूँ अबाउट लियाना। तो खड़े खड़े नहीं, बैठ बैठ के बात करती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ आई एम डूइंग, हाउ आई एम मैनेजिंग, तो उनको भी एक आशा मिलेगा। देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ जो कभी कभी बोलने में झिझक आता है, बिकॉज हमेशा ऐसा लगता है कि आई वुड बी जज्ड। बट देन अगेन मैं सोचती हूँ, मैं तो आप लोगों ने ही मुझे सिखाया है कि 5 ऐसे लोग हैं जो मुझे जज करेंगे, लेकिन 50 ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर्ड होंगे, और 500 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे और बस उनने वो शायद कुछ सीखेंगे नहीं, बट वो इंजॉय करते हैं, दे लव टू सी। या दिस स्मॉल अपडेट दैट लियाना इज़ ड्रिंकिंग फार्मूला मिल्क, एंड जो मैंने खूब रिसर्च किया था आप लोग को याद होगा, बट द थिंग इज़ दैट आई कुड नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मिल्क। और इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था, एम आई नॉट अ मदर इनफ, नहीं हो रहा है तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं। सो आई ऑलमोस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल, मैंने डॉक्टरों से बात की एंड डॉक्टर सेड इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नॉर्मल, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली, सो यू जस्ट डोंट नीड टू थिंक कि आपसे नहीं हो रहा है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो नहीं होता है, और उन लोगों ने बोला दैट यू नो ऐसे सिचुएशन में बहुत महिलाएं ऐसा कुछ करते हैं कि वो स्टिक करते हैं ऑन ब्रेस्ट मिल्क, और तब ऐसा होता है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बिकॉज बेबीज टिल 6 मंथ्स दे आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर। मतलब लियाना को कभी हिचकी आ रही होती है, मतलब मुझे तो लगता है रोज़ आती है उसको हिचकी, वो करीबन 5 मिनट लगातार हिचकी लेती रहती है। इंडिया में मुझे कोई ऑर्गेनिक फार्मूला मिल्क तो मिला ही नहीं, तो USA में भी ऑर्गेनिक फार्मूला नहीं है। जो मुझे मिला यूरोप में, तो जर्मनी का ये है फार्मूला मिल्क हिप का, प्लस इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड, मतलब जो प्रोटीन है उसको जो मतलब छोटा बेबी इंसान का जो स्टमक है वो ना काउ मिल्क का जो लैक्टोस है वो जब ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए बहुत सारे जो दूध के कंपनीज है जो उस प्रोटीन को हाइड्रोलाइज्ड कर देते हैं, मतलब प्रोटीन को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उसको बेबीज के लिए डाइजेस्ट करना ईजी होता है। सो इनिशियली आई स्टार्टेड विथ हिप HA विच इज़ अ हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला मिल्क। तो 2 महीना लीली ने वो ट्राई किया, बट उसको बहुत गैस हो रहा था, मतलब मैं कैसे बताऊँ, इतनी छोटी सी बच्ची एकदम करके अंगड़ाई ले रही है, दिन भर अंगड़ाई बस लेती रहती है, अंगड़ाई लेती रहती है, क्योंकि उसको बस गैस हो रहा है इतना। आई एम जस्ट वॉन्डरिंग, बड़ी होके लीली वीडियो देखेगी बोली मैं गैस पास करती थी, ये बोला लोगों को। मैंने वो फॉर्मूला मिल्क फाइनली चेंज किया और अभी लास्ट 3 दिन से शी इज़ ऑन हिप ओनली, सेम ब्रांड के हिप कम्फर्ट। मतलब इसमें क्या होता है, इट इज़ कम्प्लीटली वे, थोड़ा सा दूध और पतला होता है, इंडियन ब्रांड्स जो भी मैंने देखा है थोड़ा घना होता है दूध थोड़ा सा, क्योंकि केसिन ज़्यादा होता है तो ताकि बच्चे का पेट जल्दी भर जाए। ये दूध बहुत पतला होता है, मतलब ऐसा लगता है पानी,
तो वो आप बच्चे को पिलाओ और 2 घंटे में मतलब उसको पॉटी भी हो जाएगा, सुसु भी हो जाएगा. इट्स एग्जैक्टली लाइक मदर्स मिल्क. अभी मदर्स मिल्क का कोई एग्जैक्ट कॉपी तो हो नहीं सकता लाइफ में, लेकिन इंसानों ने शायद ट्राई किया और सारी मतलब मैंने बहुत रिसर्च करके वो किया. दिस इज़ अ थर्ड डे दैट शी इज़ जस्ट फीलिंग फाइन. मुझे ऐसा लग रहा है मतलब मम्मी ने भी बोला. सो दीज आर सम लिटिल अपडेट्स मैंने सोचा मैं शेयर करूँ इन केस इफ इट जस्ट माइट हेल्प यू. जब तक वो लोग तैयार हो रहे मैंने सोचा कि मैं अपने आप को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी और हमेशा अपना खुद का भी ख्याल रखती हूँ इन सब चीज़ों के बीच में. यू नो कभी कभी रात भर जगती है लिली. जैसे कल रात को वो सोई नहीं, 4 बजे तक सोई नहीं, दिन भर सो रही थी मतलब इंटरमिटेंटली जैसे बच्चे सोते हैं. रात को 9 बजने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे शी इज आउट इन अ कंप्लीट पार्टी मूड. मतलब कमरे को अंधेरा कर दिया हम लोगों ने, वो स्टार स्टार लगाया रूम में, वो सब स्टार गिन रही है एकदम. मुझे तो लगता मतलब वो उसने गिन ही डाला कि छत पे कितने सारे स्टार्स हैं. एंड यू कैन अंडरस्टैंड जब आपके एक छोटा बेबी हो और वो रात भर ना सोए तो आप क्या कर सकते हो, आप भी उसके साथ तारे ही गिन सकते हो. तो वैसे मतलब रात रात कभी कभी मतलब कभी कभी ऐसा होता है रात भर सो जाती है, ज़्यादातर ऐसा होता है रात भर मैं जागरण करती हूँ. तो ऐसे रात भर जागते जागते मेरा स्किन ना थोड़ा बहुत डल हो गया है. वैसे लोगों के पोल्यूशन स्ट्रेस मतलब स्किन डल होने के तो 50-100 कारण हैं. और ये डलनेस से हम लोग रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेंटली कुछ फेस में केमिकल्स ऐसे कुछ लगा लेते हैं कि इंस्टेंट हम लोग ग्लो करते हैं और फील करते हैं वाह आई एम गुड. लेकिन वो हमारे स्किन को हानि करता है बिकॉज दोज केमिकल्स दे आर नॉट गुड फॉर द स्किन. तो इसीलिए यहाँ पे मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम. इट हैज़ विटामिन सी एंड टर्मरिक. इसको मैं अभी लगा कर आई. लगाना तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए और वॉश्ड फेस में आप इसको लगा सकते हैं. तो आपका जो डेली फेस क्रीम है उसके बदले में आप इसको यूज़ कर सकते बिकॉज दिस इज़ द फेस क्रीम. और इसमें जो है विटामिन सी एंड टर्मरिक बोथ ऑफ देम आर एक्सीलेंट एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर द स्किन. तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, स्किन का जो ग्लो है थोड़ा सा वो लेकर आता है, स्किन में जो थोड़े बहुत दाग है ओवर अ टाइम वो चला जाता है. विटामिन सी एंड टर्मरिक दोनों का ही ये काम है एक्चुअली, स्किन में थोड़ा सा एक ब्राइटनेस लाना. स्किन का जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसको भी बूस्ट करता है और मॉइस्चराइज तो करता ही है क्योंकि मॉइस्चराइजर है. तो इट्स लाइक एन ऑल इन वन. सो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर लाइक अ डेली फेस क्रीम यू कैन ट्राई दिस. मामा अर्थ का जो भी प्रोडक्ट्स है आई रियली लाइक बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ केमिकल. बिकॉज इट डज नॉट हैव पैराबेन, इट डज नॉट हैव सिलिकॉन्स, एनी काइंड ऑफ केमिकल्स दैट कैन एक्चुअली हार्म योर स्किन. दे लिंक ईच ऑर्डर ऑफ योर परचेज टू अ ट्री दैट दे प्लांट सो दैट बाई द ईयर 2025 दे आर एमिंग एट planting 1 million trees. That's also a very good initiative. Plus Mama Earth has their own app which you can download on your Android or iOS. So Mama Earth ka khareedne ka aur ek bhi karan hai kyunki aapko with my code divina2022 milega extra 20% discount and the products are available here. इट्स लाइट वेट एंड मॉइस्चराइजिंग. मतलब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद स्किन में जो पसीना आता है वो नहीं आता है. यू जस्ट फील दैट ग्लो टू योर स्किन. जस्ट डज नॉट मेक योर स्किन फील स्टिकी एंड चीप चीपी. नो एंड ऑब्वियसली टॉक्सिन फ्री मेड सेफ सर्टिफाइड एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 249. तो एक ट्यूब आपको 3 महीने तक चल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. इट हैज़ SPF ऑल्सो. तो इसको लगाने के बाद आप मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट सनस्क्रीन विथ SPF 50 भी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं. उससे आपके स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि स्किन को अच्छा करने के साथ साथ प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है. तो हो गया मतलब यू नो जब विथ योर बेबी देर इज़ हार्डली एनी टाइम टू डू अ लंबा चौड़ा स्किन केयर रूटीन. बट थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि मार्केट में नया क्या आया है और वो मेरे स्किन में रेलिवेंट है कि नहीं. और ये फिलहाल मेरे स्किन के लिए बहुत रेलिवेंट है. रात भर का जागरण का जो थकना होता है ना, नहीं तो मैं ऐसे आमी जे तो मार छिन 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 लगती पूरी ऐसी वाली. अभी भी मैं ऐसे लगती हूँ बिकॉज आई एम ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई सेल्फ एंड माई स्किन. तो मुझे अभी लगता है वो लोग रेडी हो गए तो चलिए चलती हूँ.
अभी हम वेट कर रहे हैं पापा के लिए और ये आ गया लियाना। तो आज हम बहुत एक्साइटेड है और लिली को लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बेबी कैरियर, एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर कि हम लोग बेबी कैरियर में ही बिठा के लिली को लेके जाए ताकि गाड़ी में यू नो बिठाना सेफ है, थोड़ा बहुत ब्रेक वेक लगे तो कोई टेंशन नहीं है, तो इसी में बिठा के लेके जा रहे हैं। एक्साइटेड। सो फाइनली आज लियाना का पहला फोटो सेशन होने वाला है। एक्चुअली ये फोटो पहली बार जाएगा पासपोर्ट के लिए, वीजा के लिए, और मैं देवीना को बोला था कि इसलिए अच्छे से तैयार सोबर लगनी चाहिए, शरीफ लगनी चाहिए, ऐसे ना हो कि इसका वीजा कैंसिल हो जाए ये बोल के कि यार ये तो गुंडी लग रही है। पर यू नो अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है लिली बिल्कुल भी कार सीट में बैठने के लिए तैयार नहीं है और उसको बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा है, या फिर उसको पता चल गया है कि उसका फोटो सेशन हो रहा है। जस्ट कुडंट मैनेज टू कीप हर इन द कार सीट, जस्ट कुडंट। आई मीन रोती रही यी करके, तो उसको गोदी में लेते, देखो अभी चुप करके बैठ गई। पर अच्छी बात यह है कि एकदम नजदीक जाना है हम लोगों को पैदल 10 मिनट, तो गाड़ी में 3-4 मिनट का रास्ता है, और इसीलिए पापा ड्राइव कर रहे हैं सेफली, एकदम बाजू वाली गली में जा रहे हैं हम। और गुरु एक तो ऐसे भी मैं गाड़ी काफी स्लो चलाता हूँ, हाँ। जब से लिया ना ये मुझे लगता है कि मैं कछुए की चाल चल रहा हूँ, और कोई बाकी कछुआ जीतता है। बाजू में पैदल लोग देखो तुमसे पहले पहले चल रहे हैं। ये है वो स्टूडियो जो हमारे घर से एकदम करीब है, और यहाँ पे मतलब अच्छा भी स्टूडियो है, तो यहाँ पे हम भी अपना पासपोर्ट फोटो या वीजा के लिए फोटोज वगैरह सब यहीं से खींचने आते हैं। तो वैसे तो हम स्टूडियो में पैदल जा सकते हैं, लेकिन धूप में इस तरीके से पैदल लेके जाना ठीक नहीं है, और एक छोटा सा रोड भी है, इसलिए सेफ्टी के लिए हम गाड़ी में इसको लेके जा रहे हैं। लिली को भी यहीं पे लेकर आए, एंड इट्स लाइक अ डेब्यू फॉर हर, उसका पहला प्रोफेशनल फोटो सेशन। अभी हमारा जो आधार कार्ड वार्ड में जो फोटो है ऐसा ऐसा टाइप का जो खुद को पहचान नहीं पाते, मैं नहीं चाहती थी कि लिली के साथ ऐसा हो, तो अच्छा वाला फोटो खींचना तो जरूरी है। अभी रेडी है, अभी सो रही है, उठ रही है, लेट्स सी। आप पहली बार आए? मैंने वही बोला कि हमारे घर में जितने भी फोटोज हैं सब मैं यहीं से प्रिंट कराती हूँ। वो जो प्रिंटिंग बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। हो गया लिली के साथ आज का हमारा फोटोग्राफ हो गया। एक फोटो देखा लिली का, हाँ। रॉक की तरह से किया हुआ है ब्रो, हाँ। एकदम फुल ऐसे। मैंने बोला भी क्या रॉक बनी हुई है, बोला पुष्पा बनी है। When you smell, ला 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 ला। उसने बोला पुष्पा बनी है, गर्दन झुका कर। अच्छा उन्होंने बोला, हाँ। एक में पुष्पा बनी, एक में रॉक बनी। गुरु पता है क्या बोलता है? बोलता है रेंचो लग रही है। क्यूट, मैं क्यूट बोलता हूँ। रेंचो, ओ माय गॉड, निश हो गई। और हम लोग घर जा रहे हैं, ऑल हैप्पी एंड एवरीथिंग वेंट फाइन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि इतना फास्ट लिली का क्या फोटो खींचा।